अच्छा ही रहा, जैसे गाना लॉन्च होता है वैसे लॉन्च कर दिया, लोगों ने गाना सुना है, सीडी तो रिलीज हो चुकी है, आज से ये गाना टीवी पर आना भी शुरू हो गया है। आइटम टाइप का गाना है, अच्छा गाना है, कभी कॉल नाम है इस गाने का और अच्छा धमाकेदार गाना है। अगर देखें तो एक 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 टाइम की पिक्चर है, हंसी हुई है, लेकिन वो एक जैसा दिख रहा है, तो दबंग तो किस तरीके से जैसा ये हम आपको वही पिक्चर छाप के नहीं दे रहे वापस से, फिल्म अलग है और एक जॉनर की फिल्म बनी थी दबंग, एक अलग ही जॉनर की फिल्म बनी थी, उसी टाइप के जॉनर की एक और फिल्म बनी है जिसका नाम है दबंग 2। इसका पार्ट 1 ये मान के चलो कि वो इंटरवल के पहले की फिल्म थी, अब ये इंटरवल के बाद की फिल्म है। सलमान मलाइका वाज आल्सो सपोज्ड टू कम इन वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दबंग, शी इज देयर वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दबंग, व्हिच इज द सॉन्ग गिव अस अ ब्रीफ अबाउट द सॉन्ग, शी इज देयर इन अ सॉन्ग कॉल्ड पार्टी, शी इज नॉट कम एज येट ऑन स्क्रीन, द सॉन्ग इज ऑलरेडी ऑन, या दबंग ये जो फेविकॉल गाना है वो मुन्नी के टक्कर का गाना है। अभी होस्ट हूँ बिग बॉस के, बिग बॉस में होस्ट हूँ, अब जहाँ जहाँ मिलता है मुझे टाइम, और ऐसा लगता है कि कलर्स वालों को यहाँ पर दबंग 2 का प्रमोशन चेप देना चाहिए, चेप देते हैं। तो दबंग 2 के प्रमोशन में वो दो कांस्टेबल्स मिसिंग नहीं है सलमान? वो डाले हैं वो कॉन्स्टेबल्स भी हैं, वो भी हैं तिवारी जी और चौधरी जी, और दो और हैं सिद्दीकी साहब और शर्मा जी भी हैं इस वाले में, और जो पुराना एक जो था वो भी एंड में आके ज्वाइन कर जाता है। मैंने दबंग 2 में जैसे चुलबुल पांडे का जो आप किरदार निभा रहे हैं, उस किरदार में अगर आप बिग बॉस से किसी करेक्टर को अगर सुधारना चाहें तो कौन होगा? ना ना वो सब अच्छे साल हो चुके।